मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, लाखों और हजारों सभी दोस्तों का मैं विनोद पाल सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की अपनी क्लास के अंदर। दोस्तों, कला और संस्कृति की हम लोग बात कर रहे थे। कला और संस्कृति के सारे जितने वीडियो मैंने बनाए देख लेना जाके नीचे कहाँ पर चैनल में, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको वहाँ पे चित्रकला ही पढ़ा दी है वहाँ पे, तो चित्रकला के सारे वीडियो। और आज से अपन ने क्या करा, संत संप्रदाय के वीडियो भी डालना चालू कर दिए। संत संप्रदाय के जो वीडियो आएंगे बच्चों, वो पूरे के पूरे जिस तरह से आ रहे ना कार्टून वाले, वो कार्टून वाले आएंगे। आप मस्ती से उसको देखो, एक ही बार के अंदर लाइक याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मेरे द्वारा बनाए जा रहे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। जब भी यार मैं सोता रहता हूँ, पढ़ा रहता हूँ, तो उस समय के बेड पर पड़े पड़े फिर दिमाग चलता है, तो मैंने वो वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दिया। और बच्चों का पसंद भी आ रहा है, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन, आज जो बात करेंगे वो मेरे बच्चों बात करेंगे अपन नृत्य की। किसकी बात करेंगे? नृत्य की बात करेंगे बच्चों। कला और संस्कृति के अंदर अपन ले रहे हैं नृत्य। देखो, नृत्य में बहुत बड़ी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अपने पास जोरदार ट्रिक है, शानदार, अपन पढ़ाते हैं, आपको पता है। पर वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पाप लगेगा तुमको, ठीक है। तो अब हम नृत्य की बात कर रहे थे। नृत्य के अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे भील जाति, भील जनजाति, जनजाति नृत्य लेके चल रहे बच्चों। कौन सा? जनजाति नृत्य, जनजातीय नृत्य। इसके अंदर अपन लेके जा रहे हैं, पहले लेके जा रहे हैं भील, ठीक है। तो देखो, एक आदमी था मेरे बच्चों, एक क्या था मेरे बच्चों, आदमी था, जैसे कि अपन शुरू से बताते हैं, ठीक है। तो ये आदमी था, ये क्या था? गंवार था। क्या था? गंवार, ठीक है, गंवार था। इसको क्या है, अपनी पत्नी के ऊपर क्या शक हो गया बच्चों, क्या हो गया अपनी पत्नी के ऊपर? देखो, पत्नी कितनी खूबसूरत थी इसकी, और इसकी पत्नी पे इस गंवार आदमी को क्या हो गया? शक हो गया। और शक क्या हो गया कि इसका किसी गैर आदमी से क्या हो रहा है? चक्कर चल रहा बच्चों, चक्कर, ठीक है। क्या चल रहा है? गैर आदमी से इसका चक्कर चल रहा है, और किसको? ये गंवार आदमी को हो गया शक, ठीक है। इसने इससे पूछा कि तेरा चक्कर चल रहा है क्या? तो इसने तो मना कर दिया कि नहीं, मेरा तो किसी से नहीं चल रहा। इसने इससे पूछा तेरा किसी चक्कर चल रहा है क्या? इसने मना कर दिया, नहीं, मेरा तो किसी से नहीं चल रहा, ठीक है। अब ये तो गंवार था, इसको फिर भी शक था, तो ये क्या खूब युद्ध कर रहा है? क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है मेरे बच्चों, खूब ये युद्ध कर रहा है, ठीक है। और युद्ध करने के बाद अब ये क्या है, ये वापस जा रहा है। युद्ध करने के बाद अपने बोल रहा है, अब मेरे को तेरे साथ रहना नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये लड़की है ना, गाना गा रही है। गाना क्या गा रही है? ना जा अभी मत जा दिल के सिवा, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये गाना गा रही है, अब ये गाना गाएगी ना, तो जाते जाते क्या है, इसको हंसी आ गई इस पे कि यार ये तो बड़े तरीके से मेरे को समझा रही है, और मेरे लिए गाना भी गा रही है कि ना जा अभी ना मत जा और दिल के सिवा, ठीक है। तो इस तरह से इसने बोला, यार कोई नहीं, बात खत्म करो। और इस तरह से इनका मामला क्या हो गया? सुलटाना हो गया। और सुलटाना होने के बाद क्या करेंगे अब ये दोनों? घूमेंगे। क्या? तो दोनों ही घूम रहे हैं अब। क्या हो रहा है? दोनों ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास भील जाति के सारे नृत्य हो गए बच्चों। भील जाति के सारे नृत्य मैंने आपको याद करा दिए कि गंवार आदमी है, ठीक है। उसको भी पे शक हुआ कि इसका गैर आदमी से चक्कर चल रहा है, तो पूछा चक्कर चल रहा है क्या? इसने मना कर दिया, नहीं, ठीक है। तो ये गाना गाएगी, नजा अभी मत जा, क्योंकि ये जा रहा है युद्ध करके। कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है कि अब तेरे साथ रहने नहीं मेरे को। तो ये गाना गा रही है, नजा अभी मत जा दिल के सिवा, है ना। तो अब ये क्या है, बाद में इसने बोला यार सुलटारा करो, और बाद में यहाँ पे ये दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो हो गया गौरी नृत्य, क्या हो गया मेरे बच्चों? गौरी नृत्य। एक हो गया युद्ध, ठीक है, और एक होता है घूमरा, ठीक है, गैर। और एक होता है मेरे बच्चों चक्कर से बना दीचक्री, दीचक्री, ठीक है, दीचक्री नृत्य। एक हाथी मना, क्योंकि इसने मना कराना, तो हाथी मना, ठीक है, ये हाथी मना। और एक है नेजा। तो ये सारे भील जाति के नृत्य है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बात डन हो गई आपकी। अब अपन बात करेंगे वन टू वन, ये जो नृत्य है ना, इनकी वन टू वन बात कर लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। गौरी, युद्ध, घुमरा, निज्जा, द्रिचक्की और गैर, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, वन टू वन बात कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले क्या कि द्रिचक्की नृत्य कौन सी जाति के लोग गाते हैं, जनजाति के लोग नृत्य करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भील ही करते भाई, ठीक है। नेजा कौन करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए भील करते हैं। युद्ध कौन करते हैं, तो भील करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। गुमरा कौन करते हैं, गुमरा गुमरा शायमरा गुमरा बोला, तो ये दृचकी करेंगे सारे के सारे। गैर कौन करेंगे, गौरी कौन करेंगे, ये सारे दृचकी करेंगे। तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि ये भील जाति के लोग ही करेंगे सारे के सारे नृत्य, ठीक है। तो अब बात करते हैं गौरी नृत्य की। करूँ क्या मैं? अरे हाँ तो बोल दो। अरे नृत्य करूँ क्या? गौरी नृत्य देखो मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया नृत्य है, ठीक है। ये क्या होता है मेरे बच्चों कि ये आपके उदयपुर राजसमंद वाला एरिया है, वहां पे किया जाता है, ठीक है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है ये, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, ठीक है। गौरी नृत्य क्या है? रक्षा बंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ कब होता है गौरी नृत्य, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। अगर बोले कि कौन करता है ये नृत्य, तो आदमी करते बच्चों, आदमी करते इसके अंदर, ठीक है। इसमें केवल पुरुष ही करते, ध्यान रखना, पुरुष कहते हैं आदमियों को, ठीक है, तो पुरुष ही करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कोई गांव है, ये एक गांव है मेरे बच्चों, तो इस गांव के अंदर क्या होगा, ये नृत्य अगर किसी को करवाना है, तो ये इन आदमियों के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये औरतें यहाँ पर जाएगी आदमियों के पास, और आदमियों को बोलेगी कि हमारे गांव में नृत्य करो, ठीक है। तो ये आदमी बोलेंगे कि हमको कपड़े दो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर, कि आदमी बोलेंगे हमको कपड़े दो। तो ये औरतें क्या करेगी, यहाँ की इन आदमियों को कपड़े देगी, तो इसे कहेंगे पहरावनी, ठीक है, पहरावनी। क्या? इन आदमियों को नृत्य करने से बुलाने के लिए जो कपड़े दिए थे ना, उसको कहते हैं मेरे बच्चों पहरावनी कहते हैं, ठीक है। बात यहां तक आपके समझ में आ रही है? मेरे को समझ में आ गया, डन। आप लाइक नहीं करोगे मेरे को मालूम है। तो इसको कहेंगे पहरावनी। अब ये पहरावनी कर देंगे,
तो देखो इस गांव में अगर आज नृत्य हो गया तो अगले 3 साल बाद फिर से नृत्य होगा, 3 साल बाद फिर से इसी गांव में नृत्य कराना जरूरी है। ये कौन सा? गौरी की। ठीक है, जैसे अपने कथा नहीं होती ऐसे कि यार ये अपनी कथा इस बार करवाइए तो अगली बार तो करवानी करवानी है, तो इस तरह से यहाँ पे भी ये जो है नृत्य 3 साल बाद करवाना डन हो जाता है इसमें। ठीक है, अब ये जो है ये जो नृत्य है ये है ना बच्चों, ये किसका है? ये आपके शंकर पार्वती का नृत्य है, शंकर पार्वती। ठीक है, और इसमें कथा की बात करें अगर इसमें शंकर ठीक है और पार्वती, तो इसमें ये आपका ये शंकर भगवान को तो कहेंगे बच्चों पुरिया, क्या कहेंगे? और पार्वती को कहेंगे राई माता, क्या कहते हैं? शंकर को कहेंगे पुरिया, पुरिया, पुरिया। ठीक है, और इनको कहेंगे राई माता, किसको? आपकी पार्वती माता को राई, राई माता कहते हैं। ठीक है, बात इसके अंदर कौन कौन सी बातें हो रही है मतलब, तो इसमें शिव और भस्मासुर की जो कथा होती है ना मेरे बच्चों वो आती है इसके अंदर, शिव और भस्मासुर की कथा, भस्मासुर। ठीक है, शिव और भस्मासुर की इसके अंदर कथा होती है मेरे बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ प्रसंग होते हैं, ठीक है, उन प्रसंगों को जो जोड़ने वाला होता है उसे कहते हैं गौरी की गाई। जैसे कोई प्रसंग हुआ उस प्रसंग को अगर जोड़ेंगे तो प्रसंग को जोड़ना कहलाएंगे प्रसंगों का जोड़ना, क्या कहलाएगा? गौरी, गौरी की गाई। आप केवल शॉर्ट ट्रिक पे मत रहो, ये सारी चीजें है ना ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए आप ध्यान रखना। अब जब ये खेल चल रहा है, ये जब गेम चल रहा है मतलब ये जो नृत्य चल रहा है, तो नृत्य के अंदर आपने देखेंगे जब डांस होते हैं तो कई ऐसे लड़के होते हैं जो छिछोरे डांस करते हैं जिसमें देख के हंसी आती है, जैसे जो जानबूझ के हंसाने के लिए करते हैं, कभी लंगड़ा चलेंगे तो कभी आड़ा चलेंगे कभी बैक्का चलेंगे ऐसे करते ना, तो उनको देख के हंसी आती है। तो इसमें भी क्या है, हंसाने वाला जो नृत्य करता है उसे कहते हैं कुटकुटिया, क्या कहेंगे? कुटकुटिया। इसको बाद में खूब कूटते हैं, कुटकुटिया। ये क्या है? खूब हंसी वाला नृत्य करता है, हंसी वाला नृत्य कौन करेगा आपका? कुटकुटिया। ये गौरी की, गौरी नृत्य के अंदर ये सारी की सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए मेरे बच्चों। क्या होता है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से तो प्रारंभ होता है, ठीक है, और इसमें माता को कहेंगे, शंकर भगवान को कहेंगे पुरिया, ठीक है, और माता को कहेंगे राई माता, ठीक है, और ये शिव और भस्मासुर की कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, पहरावनी मतलब जो होते हैं उनको, पुरुषों को जो कपड़े दिए जाते हैं वो पहरावनी कहते हैं, हंसी मजाक कराने वाला कहेगा कुटकुटिया कहलाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी बातें और यही आपके एग्जाम में आएगी अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने गौरी की नृत्य के बारे में आपको सब कुछ बातें जो भी है मतलब जितना मेरे को आता था और जितना दूसरों को आता है, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया इसके अंदर, क्योंकि बताएंगे तो वो भी वही जो किताब के अंदर लिखा है और मैं भी वही बताऊंगा जो किताब के अंदर लिखा, कोई अलग से तो बता नहीं दूंगा, बस बताने का एक तरीका है। तो मैंने तो पहले बता दिया कि भील जाति के जो नृत्य हैं उसमें ये वाला है और इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोले सर आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है। तो ये अपनी गौरी वाली बात हो गई है। अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या है, गवार आदमी को मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि उसकी वाइफ का किसी गैर से चक्कर चल रहा था, अब गैर नृत्य की बात करेंगे। क्या करेंगे? गैर नृत्य, गैर नृत्य, ठीक है, गैर नृत्य की बात करेंगे मेरे बच्चों। देखो गैर जो नृत्य होता है ना बच्चों वो क्या होता है, तीन प्रकार का नृत्य होता है गैर, तीन प्रकार का नृत्य होता है। एक तो होता है आंगे बांगे का नृत्य, एक होता है नांगी गैर और एक होता है सागी गैर। ठीक है, गैर कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला होता है आंगे बांगे की गैर, ठीक है, पहले तो ये होगी, फिर दूसरी होगी नांगी गैर, नांगी गैर, और तीसरी होगी बच्चों सादी गैर। अब मैं आपको बताता हूं ये तीन प्रकार के नृत्य होते हैं गैर के अंदर। देखो इसके अंदर तो क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो आंगे बांगे की जो गैर होती है मेरे बच्चों, ठीक है, आंगे बांगे की गैर के अंदर क्या होता है कि जो आपके बदन से गैर नृत्य करते हैं, क्या करते हैं? शरीर से, शरीर से गैर करना मतलब हाथों से, शरीर मतलब हाथों से, और तो कैसे करोगे? ठीक है, ये है ना बात, यहां तक आपके समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? अगर बात करें ना तो ये वाली आपके आगे बांगे की गियर, ठीक है, फिर दूसरी होती है नांगी गियर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लकड़ी होती है जिसे डंडे भी कहते हैं, उनके साथ गियर करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो खांडा होता है खांडा उसके साथ करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी होती है सादी गियर, सादी गियर तो मतलब सिंपल तरीके से लकड़ी से गियर, लकड़ी से या रुमाल से गियर, ठीक है भाई, रुमाल ले लेके जब गियर करते हैं ना उसको कहते हैं सादी गियर। इनमें नांगी गियर मतलब लकड़ी और खंडे से करते हैं और आंगे बांगे मतलब जो हाथों से करते हैं वो कहलाती है आंगे बांगे गियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको गियर के बारे में बता दिया। अब गियर जब नृत्य करेंगे तो ये गियर करेंगे ना मेरे बच्चों, तो कब करेंगे? फाग के टाइम पे करेंगे। कब करेंगे? होली के टाइम पे। कब करेंगे? होली के टाइम पे, होली के टाइम पे। और गियर करते समय क्या होगा, गियर करते समय उसके गियर के टाइम पे फाग के गीत गाएंगे। कौन से? फाग के गीत।
गेर के प्रत्युत्तर में फाक के गीत गाए थे, गेर के प्रत्युत्तर में फाग गीत गाए जाते हैं। भाई जब गेर नृत्य करेंगे तो उस समय गाने भी तो बजने चाहिए, तो कौन से बजेंगे? फाग के गीत गाए जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ये कौन करता है? गेर केवल पुरुष करते हैं। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे गेर, और इनको कहेंगे गेरिये। क्या कहेंगे? पुरुषों को कहेंगे गेरिये। और इस समय ढोल थाली और मादल, क्या? ढोल थाली और मादल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन से? ढोल बजाए जाएंगे, थाली बजाए जाएंगे, मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है गेर खेलते समय। बात आपके यहां तक डन है क्या? बोलो सर डन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो मेरे बच्चों कि मीनार है उदयपुर के अंदर जगह, वहां पे तलवारों की गेर होती है। कहां पर? मीनार में। इंपॉर्टेंट ऐसे करके लिख लो, मीनार ये कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर, यहां पर क्या होती है? तलवारों की गेर, ठीक है। तलवारों की गेर कहां पे होती है मेरे बच्चों? तलवारों की गेर होती है आपके मीनार में। मीनार कहां पे? उदयपुर के अंदर है, वहां पे तलवारों की गेर होती है, और बहुत जोरदार तरीके से होती है। मतलब क्या है? आप डांस करेंगे तो किसको पकड़ के करेंगे? तलवार को, ठीक है। बात यहां तक डन है क्या? अरे डन ही करे, हाँ या ना कुछ तो बोला करो यार, कमेंट कर दिया करो। ऐसे मन नहीं करता, ऐसे दिमाग, मतलब ऐसे जोर पड़ता दिमाग के ऊपर। भाई इतने प्यार से, इतने तरीके और इतने सलीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो। आप लोग जबरदस्ती, मतलब बड़े बड़े चैनल को तो लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, और मुझे नहीं करोगे। कुल मिला के व्हाइट बोर्ड है इसलिए, स्मार्ट बोर्ड जरूरी है भाई, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए कुल मिला के। बात ये नहीं होनी चाहिए कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड है या नहीं है, पढ़ाई कैसी है आपकी ये देखना जरूरी है। तो उसके लिए तो यार लाइक कर दो, कम से कम पढ़ाई तो अपन अच्छी करवा रहे हैं। बाकी तुम नहीं करो तो बात अलग है, ठीक है ना। अब अपन करते द्रिचकी नृत्य। किसी के साथ चक्कर है क्या? नहीं, चक्कर नहीं किसी के साथ, ठीक है। तो आप बात करेंगे द्रिचकी। देखो द्रिचकी नृत्य के अंदर क्या होता है कि कोई मांगलिक अवसर होता है, तो मांगलिक अवसर पे क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष जो होते हैं ना, वो गोलाकार घेरा बना के नृत्य करते हैं। तो अंदर की तरफ तो स्त्रियां होती है, बाहर की तरफ पुरुष होते हैं, ठीक है। और वो ऐसे 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 करके नृत्य करेंगे बच्चों। क्या होगा द्रिचकी नृत्य के अंदर, बता दूं मैं आपको। द्रिचकी नृत्य इसमें ऐसे तो अंदर तो होगी औरतें, बाहर होंगे आपके पुरुष, ठीक है ये। और क्या है? ऐसे गोलाकार घेरे में नृत्य करेगी, ठीक है। और ये कब करेंगे? मांगलिक अवसर पर, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोले हाँ सर। अब ये जो चक्कर है इसकी बात करी थी बच्चों, तो इसने मना कर दिया था, बोले नहीं मेरा कोई चक्कर नहीं है। तो अब हाथी मना की बात कर लेते हैं। हाथी मना करे क्या? हाँ सर कर लो, आप ही करोगे और कौन करेगा? मैं तो सब कर दूंगा, पर तुम लोग मेरे को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, क्या मतलब? पर मेरा तो काम है बच्चों पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा। हाथी मना इसमें क्या होता है? हाथी मना के अंदर देखो, ये विवाह के अवसर पे किया जाता है मेरे बच्चों। अब विवाह के अवसर पे क्या होगा? खूब सारी चोरियां आएगी, ऐसे करके चोरियां आएगी खूब सारी, ठीक है। अब ये चोरियां आई है मेरे बच्चों, ये बैठी हुई है सारी की सारी। लड़का आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आके क्या करेगा? ऐसे बैठ जाएगा लड़की के सामने, क्योंकि लड़के को लड़की डन है, ठीक है। और यहाँ पे आके बैठ जाएगा और ऐसे करके नृत्य करेगा, तो इसलिए इसको कहेंगे हाथी मना, ठीक है। बाद में क्या लड़की मना कर देगी कि नहीं यार तू मेरे डन नहीं है, तो ये हो जाएगा हाथी मना, तो मना कर देगी ऐसे करके। तो ये हाथी मना नृत्य होता है, विवाह के अवसर पे बैठ के किया जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है क्या? आ रही हो तो मेरे को बोल दो सर आ रही है, नहीं तो क्या है मेरा कालजा दुखा अब, ठीक है। हाँ तो अब बात करते हैं युद्ध। तो देखो भील जाति के लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? युद्ध का अभिनय करते हैं। युद्ध, भील जाति के लोग कौन से? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। अरे मेरी राइटिंग खराब ही रहती है यार, ये तो मैं आप क्या बोलूँ, आप फिर आप मेरे को ऐसे बोलते हो। क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं अपने भील जाति के, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं? युद्ध की कला का प्रदर्शन, ये प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? युद्ध की कला का अभिनय करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अभिनय भी कह सकते हो आप इसको, अभिनय, ठीक है, ये भी कह सकते हो। तो युद्ध की कला का अभिनय करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसको युद्ध नृत्य कहते हैं बच्चों। और ये भील जाति के लोग करते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि भाई ये बाद में युद्ध करेगा, ठीक है। और युद्ध करने के बाद अब क्या करेगा? मैंने आपको बताया था क्या करता है आदमी युद्ध करने के बाद, फिर बोलता है कि अब तो मैं जा रहा हूं, तेरी मेरी बात कट्टी, ठीक है। तो अब लड़की बोलेगी ना जा, अभी मत जा। तो ये है नेजा नृत्य, और होली के अवसर पे और मांगलिक कार्य के अवसर पे स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य। नेजा, होली व मांगलिक अवसर पर
अवसर पर किया जाता है नृत्य, होली और मांगलिक अवसर पर। फिर आता है अपने पास घूमरा नृत्य, ठीक है, महिला जो होती है वो मांगलिक अवसर पर घूमरा नृत्य करती है और ढोल और थाली पीटती है। घूमरा महिला मांगलिक अवसर पर नृत्य करती है और क्या करती है, ढोल और थाली, इनका यूज होता है मेरे बच्चों, ढोल और थाली का यूज होता है बजाने में, दम 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 दम, ठीक है। ये अब मेरी बात सुनो, ये सारी की सारी कहानी आपने देखी, ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी आपने देखी अभी आपने, तो वहीं पे क्या है, ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना, वहां पे ये कार्यक्रम जब चल रहा था, जब भील आदमी आया था और भील आदमी को क्या था, अपनी औरत पे शक था, वीर गंवार था, ठीक है, उसने पूछा कि तेरा किसी वीर के साथ चक्कर चल रहा है क्या, तो बोलती है ना, मना कर देती है कि फिर उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है, उनके युद्ध होता है, तो बोलती है ना जा अभी मत जा, फिर ऐसे करके आदमी क्या रीझ जाता है, और रीझने के बाद क्या होता है, वो घूमते दोनों तो घूमरा नृत्य आता है। तो ये सारा कार्यक्रम कौन देख रहा था, वहां पे शुकर देख रहा था, सुवर देख रहा था, तो एक और नृत्य यहाँ पे शुकर का मुखौटा, क्या है, शुकर का मुखौटा, शुकर का मुखौटा, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है। और ये भील जाति का एकमात्र ऐसा नृत्य जो भील जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, शुकर का मुखौटा नृत्य एकमात्र भील जनजाति द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। यहां तक बात आपके डन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे मोस्ट भी कर लो और वेरी भी कर लो। तो शुक्र का मुखौटा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बात 101% डन है, आपको बात समझ में आ रही है और आप मेरे को पसंद कर रहे हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं जा रहा, अगर किसी की मदद कर दोगे तो मदद करने में कुछ नहीं जाता मेरे बच्चों, और मदद क्या करनी है इसमें यार, कोई आपके लिए इतना कर रहा है, आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आपको लाइक कर रहा है, तो आप भी तो उसको लाइक करो, आपकी आपसे अपनी बातें में अगर शेयर कर रहा हूं तो आप भी तो मेरे को शेयर करो, ठीक है, और अगर मैं आपको प्यार कर रहा हूं तो आप भी तो मुझे प्यार करो, और आप कमेंट करो प्यार करोगे तो, और क्या करोगे कि सर आप गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये लिख दो यार, इतने में क्या जाता है किसी का भाई, मंदिर में भी जाके घंटा बजाते हो, मंदिर क्या है भाई, मंदिर एक पूजा का स्थल है, तो यहां पे भी क्या है, ये शिक्षा भी क्या है, शिक्षा भी तो एक मंदिर है, यहां पे भी मंदिर है, ये यहां पे आपको शिक्षा मिल रही है, यहां पे भी पूजा हो रही है शिक्षा की, तो आप भी यहां पे घंटा बजा सकते हो, इसमें क्या जाता है, पर आप लोग करोगे नहीं, मुझे विश्वास है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कसम खा रखी है, आप लोगों ने डन कर रखा है कि गुरुजी आपको देखते हैं, आप में कितनी हिम्मत है कि आपको देखते हैं, आपके वीडियो कौन देखता है, कोई बात नहीं बच्चों, आप नहीं देखोगे, आप नहीं करोगे शेयर, तो क्या हो जाएगा यार, बताओ मेरा काम पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा, पर आप शेयर कर दोगे ना, तो बस यही रहेगा कि यार अपने बच्चे अपन को प्यार करते, बाकी तो जो आपको करना है वो आप करोगे करोगे, ठीक है। गरासिया जाति की बात करते हैं मेरे बच्चों, गरासिया, तो इसमें एक वर्ड निकल के आ रहा, रसिया, मतलब एक रसिया आदमी था, ठीक है, ये था रसिया आदमी, क्या था, एक रसिया आदमी था मेरे बच्चों, इसका जो काम था ना बच्चों वो क्या था, वाल खोलना काम था, वाल काय का, जो अपने घर में पानी आता ना उसका, ठीक है, तो ये क्या करता था, वाल खोलता था मेरे बच्चों, ठीक है। अब वाल खोलना काम था, तो इसने क्या एक बार गौर से देखा, इसने क्या करा, गौर से देखा, ये देखो इधर से गौर से देख रहा है इधर, है ना, अब इसने गौर से देखा, क्या देखा, इसने गौर से देखा कि यहाँ पे इधर आगे थोड़ा दलदल भरा हुआ है, क्या है, दलदल, क्या है मेरे बच्चों, दलदल, ठीक है, दलदल भरा हुआ है, और उस दलदल के अंदर क्या है, कोई मोर आके फंस गया, अब वो मोर है ना उससे निकले नहीं जावे, ये जो मोर है इस दलदल के आके फंस गया, अब ये खूब निकलने की कोशिश कर रहा है मोर, पर इससे निकले नहीं जा रहा मेरे बच्चों, क्या, मोर से इससे निकले नहीं जा रहा, अब ये मोर निकलेगा ही नहीं जब, तो फिर जाएगा कहाँ, या तो मर जाएगा इस दलदल के अंदर, ठीक है। तो इसने देखा गौर से, तो क्या है ये मोर है, ठीक है, इससे निकले नहीं जा रहा, अब निकल नहीं जा रहा, तो इसने क्या करा, इसको मोर को खींच के निकाला, ठीक है, और फिर बाद में इसको खाने के लिए क्या दिया, इस मोर को दिया जवारा, ये निकाल दिया इसको, ठीक है, ऐसे करके, और इसको फिर बाद में खाने के लिए दिया इसको कटोरी भर के, क्या दिया है इसको, ऐसे करके जवारा दे दिया मेरे बच्चों, क्या दे दिया, ज्वार, ज्वार के दाने खा ले बेटा, ठीक है, तो ये ज्वार के दाने खाया गया, हाँ भूखा है भाई, कीचड़ कादे में कब से भरा पड़ा है, तो कब से फंसा पड़ा है दलदल के अंदर, तो आप क्या भूखा है, ठीक है। अब जब इसका पेट भर जाएगा तो ये मोर इसको गले लगाएगा क्या, हाँ सर इसको गले लगाएगा, तो ये क्या करेगा, गले लगाएगा मतलब गरबा, ठीक है, गले लगेगा, हाँ खूब लगेगा सर, ठीक है, इसके चारों तरफ लूरेगा, लूर मतलब लूर झुड़ जाऊं रे मतलब इसके चारों तरफ क्या घूमने लग जाएगा, तो इसके लूरने लग जाएगा, ऐसे करके चारों तरफ प्यार करने लग जाएगा, मतलब लूरने लग जाएगा इसको, ठीक है, फिर क्या करेगा, कूदेगा इसके चारों तरफ, क्या करेगा, कूदेगा मोर, ठीक है, कूदेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कूदेगा, ऐसे करके ये आपको सारी की सारी यहाँ पे ग्रासिया जाति से संबंधित नृत्य पता पड़ गए, कौन कौन से, एक तो गोर नृत्य होता है मेरे बच्चों, एक होता वालर, ठीक है, एक होता मोरिया, एक होता जवारा, ठीक है, एक होता कूद, एक होता है गले से गरवा, ठीक है, लूर तो नृत्य होता ही है, और दलदल से निकला मेरे बच्चों मादल, क्या निकला है, मादल, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको नृत्य याद हो गए, क्या करा,
भाई रसी आदमी है, तो इसने गौर से देखा वाल खोलते समय कीचड़ मतलब दलदल के अंदर मादल के अंदर क्या है, मोर फंस गया मुरिया, ठीक है, मोर को निकाला, जवारा खिलाया, मोर गला लगेगा क्या, गरवा लगा लेगा, हाँ सर गला लगा देगा बिल्कुल, और फिर बाद में कूदेगा और लूर उसके चारों तरफ लूरेगा, ठीक है, उसके चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ तक ये आपके सारी बातें डन हो गई क्या, बोलो हाँ सर डन हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो वाला नृत्य होता है इसमें क्या होता है, पुरुष और महिला अर्धवृत्त बना के नृत्य करती है, क्या होते हैं वाला नृत्य की बात करें तो इसमें पुरुष और महिला ये क्या करेगी, अर्धवृत्त बनाएगी ऐसे, ठीक है, अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करती है, पुरुष और महिला क्या करेगी, अर्धवृत्त बना के नृत्य करेगी। बच्चों हिंदी में कहीं ना कहीं इधर उधर गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से समायोचना मांगता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि यार मेरे मात्रा वात्रा और ये सब मेरे क्या गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं, मैं तो बस आपको पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे करके याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर गौर नृत्य ये गणगौर पे किया था बच्चों, गणगौर, ठीक है, गणगौर के ऊपर है ना। फिर इसके बाद आप बात करोगे कि सर मादल नृत्य, तो मादल नृत्य जो है स्त्रियां जो होती है मांगलिक अवसरों पे की जाती है, मादल नृत्य कब करेगी, स्त्रियां मांगलिक अवसरों पे करेगी। मोरिया की बात करें तो मोरिया क्या होता है, जैसे शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह में क्या होता है बच्चों, गणपति की स्थापना होती है, गणपति स्थापना होने के बाद क्या करेंगे आदमी लोग, क्या डीजे पे टूट पड़ेंगे शाम को, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोरिया। तो क्या था आपका, अरे कांग्या रे कौन, मादल, हाँ, तो ये तो स्त्रियां मांगलिक अवसर पर करती है या शादी ब्याह में करती है। मोरिया शादी गणपति स्थापना पे, गणपति स्थापना भाई शादी में क्या होती है, गणपति जी बैठाए थे ना गणेश जी, ठीक है, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो, वही वाले गणपति स्थापना के शाम को नृत्य करते हैं, कौन करते हैं आदमी करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो मोरिया का भी आपको मालूम पड़ गया, मादल का भी मालूम पड़ा, ठीक है। जवारा, तो जवारा क्या चक्कर है, जवारा की बात करने में क्या कांगेर जवारा, ठीक है। देखो ये होली जलेगी मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे करके होली जलेगी, तो होली में क्या करेंगे अपन, वो जाके ऐसे गेहूं सेकेंगे नहीं सेकेंगे, गेहूं की बालियां, तो उसी को कहते हैं जवारा नृत्य। मतलब क्या होता है, होली के दहन से पहले आदमी और औरत क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, होली दहन से पहले आदमी औरत नृत्य करेंगे, बाद में गेहूं की जवारे सीखेंगे, ठीक है। होली दहन से पहले नृत्य और बाद में क्या सीखेंगे, बाद में गेहूं की बालियां सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना लूर नृत्य, तो लूर नृत्य भी बात कर लेते हैं, लूर नृत्य की ये देखो क्या होता है, इधर लड़की की सहेलियां, इधर लड़के के सहेले, सहेले मतलब उसके दोस्त सारे के सारे, ठीक है, इधर लड़की की सहेलियां, इधर लड़के के दोस्त, लड़की कौन जिसकी शादी होने वाली है, लड़का कौन जिसकी शादी होने वाली है उस लड़की से, तो जब रिश्ता मांगेंगे तो इधर लड़की की सहेलियां आ जाएगी, ठीक है, लूर गोत्र की, इधर लूर गोत्र के लड़के आ जाएंगे और आपस में क्या करेंगे, रिश्ता मांगेंगे, रिश्ता मांगेंगे कि भाई मेरी तो बनी जो है वो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है, तेरा जो लड़ा है उस लड़े से मेरी बनी का ब्याह करवा दो रे, तो ऐसे करके रिश्ता मांगेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम होगा जो लूर जाति लूर डांस के अंदर ये होगा, लूर डांस करते करते क्या है आपस में रिश्ते की मांग करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर कूद की बात करें, कूद डांस की बात करें, कांग्या ने मेरा कूद डांस, कूद ये जो है ये नृत्य मेरे बच्चों जब किया जाएगा, कब किया जाएगा, कूद नृत्य, कूद नृत्य जब किया जाएगा जबकि क्या हो रहा है, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं हो, कोई वाद्य यंत्र नहीं हो, ठीक है, मतलब बिना वाद्य यंत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लूर, मतलब वाद्य यंत्र यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये कूद नृत्य किया जाएगा, खूब कूद कूद के किया जाएगा, ठीक है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, कूदने से ही थाप इतनी भयंकर पड़ेगी कि डीजे चल रहा नहीं चल रहा या वाद्य बज रहा नहीं बज रहा कोई मतलब नहीं है, बस नाचना है तो नाचना है। तो इस तरह से ये ग्रास जाति के सारे नृत्य आपके कंप्लीट हो गए। पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो जो तुम्हारा मन करे। इस दुनिया में आयो क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आयो खाली हाथ जाओगे, इसलिए ये काम कर जाओ कि लाइक कर दो शेयर कर दो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट जाति की, जनजाति की, वो है कथोड़ी। क्या है कथोड़ी, ठीक है मेरे बच्चों। देखो अब मैं क्या करूं यार, अकेले बोर होता हूं मैं, खुद ही अकेले बोल रहा हूं मतलब पागलों की तरह, आप लोग तो क्या देखते ही नहीं हो, आप लोग तो मेरे को मतलब कुछ कमेंट वमेंट करते ही नहीं हो, तो ऐसे ही मैं खुद ही बोले जा रहा हूं, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं, पर हाँ जो भी कर रहा हूं मेरे मन की कर रहा हूं, इसलिए आप लोग भी क्या है अपने मन की कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जरा तुम्हारा, ठीक है। अपन बात करते हैं कथोड़ी जाति की, तो कथोड़ी जाति के अंदर जो नृत्य होता है वो बच्चों होता है मावलिया नृत्य, ठीक है। अब नवरात्र के टाइम पे जो पुरुष होते हैं ना वो ढोलक टापरा और बांसुरी के साथ क्या करते हैं आपका मावलिया नृत्य करते हैं, ठीक है। कथोड़ी इसमें होता है पहला मावलिया, मावलिया नृत्य कब करेंगे, नवरात्र पर, कौन करेंगे, पुरुष करेंगे मेरे बच्चों, और बोलेंगे कि हे भाई थोड़ा तो मावा दे दे, ठीक है, थोड़ा मावा ला प्रसाद का, किससे, नवरात्र के टाइम पे थोड़ा मावा ला प्रसाद का। तो मावलिया नृत्य क्या है, कथोड़ी जाति के लोग करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ढोलक
टापरा और बांसुरी इसको बजा के करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? ढोलक टापरा और बांसुरी बजाएंगे। और ये कौन सा नृत्य करेंगे? मावलिया नृत्य करेंगे। ये आपको बात डन हो गई क्या? ठीक है। अब इसके अंदर कठोड़ी जाति के अंदर एक और नृत्य होता है, उसको कहते हैं होली नृत्य। होली नृत्य, ठीक है, होली नृत्य। और इस होली नृत्य में क्या है, कठोड़ी जाति की जो औरतें होती है वो थोड़ी थोड़ी ले लेती है बच्चों। क्या करती है औरतें? थोड़ी थोड़ी, मतलब समझा करो भावना को, ठीक है। और फिर क्या करेगी, जब ये औरतें थोड़ी थोड़ी ले लेगी तो होली पे क्या करेगी, ऐसा पिरामिड बना देगी नाच नाच के। मतलब ये औरतें यहाँ पे इधर खड़ी है, इसके ऊपर एक और खड़ी है, इसके ऊपर एक और खड़ी है, ऐसे खड़ी होती जाएगी और ऐसे करके क्या करेगी, पिरामिड बना देगी मेरे बच्चों। ऐसे बन जाएगा पिरामिड। तो औरतों के द्वारा होली के नृत्य पे पिरामिड कौन सी जनजाति की महिलाएं बनाती है? वो कठोड़ी, ठीक है। तो पिरामिड बना देती है मेरे बच्चों। और पिरामिड आदमी जब बनाएगा, जब वो थोड़ी सी ले लेगा, बाकी ऐसे तो हिम्मत रहती नहीं आदमी को एक के ऊपर एक खड़े होने की, तो ऐसे सहन कौन करेगा, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी ले ली, बात खत्म, ठीक है। तो ये पिरामिड बन गया। ये आपके मालूम पड़ गया क्या कठोड़ी जाति की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब आता है अपना सहरिया। सहरिया जनजाति की बात कर लें, बारह जिले वाली जनजाति है मेरे बच्चों। अरे सहरिया, ठीक है। इसके अंदर देखो सहरिया में एक तो है इंद्रपरी, एक सॉन्ग लहंगा, ठीक है। इंद्रपरी होता है डांस, एक होता है सांग होता है, एक होता है लहंगी होता है, एक होता है झेला और एक शिकारी। पहला होता है इंद्रपरी, सांग, लहंगी, झेला और शिकारी, ठीक है। ये नृत्य होते हैं, ये सारे के सारे नृत्य मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो एक परी है जो इंद्र के यहाँ पे क्या करती है, डांस करती है मेरे बच्चों, ठीक है। ये देखो कितनी खूबसूरत सी परी है, इंद्र जो है राजा वहां पे डांस करती है। इसने देखा यार यहाँ पे क्या है, मेरे डांस की कोई प्रतिभा समझ नहीं रहा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर डांस इंडिया डांस में DID चल रहा है, ठीक है। DID में जाके पार्टिसिपेट करूंगी और वहां पे जाके अपना नाम कमाऊंगी। यहाँ पे क्या रखा है, तो अब ये भारत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर, इंद्रनगरी से अब आएगी भारत। अब इंद्रनगरी से आएगी तो ये क्या कहलाएगी, इंद्रपरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? डांस इंडिया डांस DID के अंदर पार्टिसिपेट करने आई है, ठीक है। अब इसको क्या है, डांस इंडिया डांस के वहां पे जाना है, जहां पे डांस इंडिया डांस की शूटिंग हो रही है, जहां पे सारे कार्यक्रम चल रहा है वहां पे जाना है। तो अब ये जाना चाहती है पर इसको पता नहीं है कि वो जगह कौन सी है, तो ये लोगों को क्या कर रही है, ऐसे कर करके बोल रही है भैया मेरे को डांस इंडिया डांस छोड़ दो रे, DID के वहां पे छोड़ दो, DID के स्टूडियो छोड़ दो। तो कोई छोड़ ही नहीं रहा। फिर इसने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, इसने देखा ऐसे तो पब्लिक मानेगी नहीं इंडिया की, अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ेगा। कार्यक्रम क्या है, इसने गाना स्टार्ट किया, ठीक है। गाना स्टार्ट किया कौन सा, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। और गाना गाने के बाद फिर इसने लहंगा घुमाना चालू कर दिया, दिल्ली शहर में मारो गागरो जो घूमियो, ठीक है। इस तरह से जब ये घुमाने लगे तो इसका तो झेला सबने देख लिया, ठीक है। और सबने इसका झेला देख लिया कि भैया ये इशारा कर रही है कि हमको DID के मंच पे छोड़ दो। और सारे के सारे शिकारी हिंदुस्तान वाले वो सब क्या है, इसका घाघरा घूमता देखा तो सबकी सब बाइक रोक दी और सारे के सारे शिकारी अब बाइक पे बैठा के इसको DID छोड़ेंगे क्या, छोड़ेंगे क्या, आप लोग डिसाइड करो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, मेरा कार्यक्रम तो हो गया, ठीक है। तो इंद्रपरी आई इंद्रलोक से, उसने आया सॉन्ग गाया, सॉन्ग गाने के बाद लहंगा घुमाया, लहंगा घुमाने के बाद झेला दिया, झेला देने के बाद सारे शिकारी लोगों ने बाइक रोकी और ये सब छोड़ के आएंगे DID मतलब डांस इंडिया डांस के मंच पे छोड़ के आएंगे। तो इसको आप देखते हो। और ये कहां पे आई थी, ये शहर के अंदर आई थी भाई, वहां से आई थी ना, तो ये कहां आई थी, शहर में, ठीक है। कहां से, आसमान से आई, इंद्रलोक से, और आई शहर के अंदर, कौन से, बॉम्बे शहर में। तो इस तरह से ये सारे शहरी जाति के लोगों के डांस आपको याद हो गए मेरे बच्चों। और इसके अंदर जो शहरी जाति के लोग जो शिकारी डांस होता है तो शिकार का भी नहीं करते हैं, ये इतना बात आपके समझ में आ जाएगी। फिर आता है कंजर जनजाति का नृत्य। क्या है कंजर जनजाति का, कंजर जनजाति के नृत्य की बात करें अपना, ठीक है। कंजर जनजाति में एक तो आता है धाकड़ा नृत्य, एक आता है चक्री, एक आता है कंजर जाति, इसके अंदर आएगा एक तो धाकड़, दूसरा आएगा चक्री। अब देखो कंजर जाति के लोग क्या होते हैं, ऐसे दारू बनाते बच्चों, और दारू कौन सी बनाते, कच्ची, कच्ची दारू, ठीक है। अभी कच्ची दारू कौन पिएगा, जो धाकड़ आदमी होगा, ठीक है। कच्ची दारू कौन पिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, जो धाकड़ आदमी होगा। अब धाकड़ आदमी होगा भली कोई भी हो, धाकड़ हो चाहे कोई भी हो, पर कच्ची पिएगा तो चक्कर खा जाएगा क्या, बोले हाँ सर कच्ची पिएगा तो चक्कर खा जाएगा, तो इसलिए ये चक्री नृत्य, ठीक है। कंजर जाति के दो तरह के नृत्य। ये देखो चक्री नृत्य के अंदर क्या होता है, जो लड़कियां होती है जवान जवान छोरियां, ठीक है, जवान जवान की छोरियां होती है, तो ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके घूमती है मेरे बच्चों, क्या करती है नृत्य में खूब घूमती है, ठीक है। और अस्सी कली को घाघरा पहनती है, अस्सी कली का घाघरा, तो कौन से नृत्य के अंदर अस्सी कली का घाघरा पहना जाता है, चक्री नृत्य के अंदर, मारो अस्सी कली को घाघरो, देखो देखो रे, और जी ये वाला, ठीक है। तो अस्सी कली का घाघरा पहनती है कौन, कंजर जाति की लड़कियां, और ये केवल अविवाहित लड़कियां होती है, अविवाहित, ठीक है, क्योंकि विवाहित नहीं है ये, अविवाहित है, इसलिए क्या है खूब तेजी से और बहुत चक्री की तरह घूमती है, चक्री के जैसे घूमती है, इसलिए इसको चक्री नृत्य कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो बात तो आपके समझ में आ गई क्या, ये
ठीक है सर आपने सीखा। फिर आता है मीणा, मीणा के अंदर एक तो लांगुरिया होता है, नेजा होता है, रसिया होता है। मीणा में लांगुरिया, नेजा और रसिया। मीणा की बात करें, मीणा जाति में होगा लांगुरिया, छोटो सो लांगुरियो, है ना, लांगुरिया, नेजा और रसिया, है ना, रंग रसिया। ये तो देखो लांगुरिया, तो मीणा जाति के जो लोग होते ना, ठीक है, वो केला देवी की जब आराधना करते हैं उस समय नृत्य करते हैं, केला देवी की आराधना के समय, केला देवी की आराधना में नृत्य, केला देवी के भवन में देखो नाचे लांगुरिया, अरे नाचे लांगुरिया भवन में नाचे लांगुरिया, रे केला ओ केला ओ केला मैया के भवन में देखो नाचे लांगुरिया, ये वही वाला लांगुरिया, ठीक है। तो इन गानों पे क्या है, नृत्य करते हैं कौन, मीणा जाति के लोग, ठीक है। फिर आता है नेजा, ठीक है, तो नेजा नृत्य भी किसमें होता है, मीणा जाति के, ठीक है। तो मीणा जाति के लोग भी क्या है, नजा अभी मत जा, तो ये भी है मीणा जाति के लोग, ठीक है। ये भी देखो भील जाति के लोग भी करते, जब भील जाति के लोग बोले थे नजा अभी मत जा, ठीक है, तो वो भी जिन जाति ये कम पढ़ेंगे क्या, मीणा, मीणा तो पढ़े लिखे, तो ये भी ये गाएंगे, बोले यार हम इनसे कम है क्या, हम तो और ज्यादा है, तो उन्होंने गाया, ठीक है। और भर भर के गाते हैं, रस भर भर के, इनकी आवाज में क्या होता है, रस होता है मीणाओं की, तो इसलिए रसिया गाना भी यही गाते हैं, रसिया नृत्य भी यही करते हैं, ठीक है। अब आता है अपने पास, आता है बंजारा, बंजारा की बात करें क्या, बंजारा ठीक है, बंजारा के अंदर बच्चों एक ही नृत्य है, वो है मादरी, मादरी नृत्य है, ये मछली जैसे नृत्य करती है ना, जिस तरह से मछली ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, उस तरह का नृत्य है बंजारा। इसमें नृत्य आता है मादरी, ठीक है, और ये जैसे ऐसे करके ये मछली होती है मेरे बच्चों, अरे गड़बड़ हो गई, ऐसे करके मछली होती है, ठीक है। तो ये मछली क्या है, मछली ऐसे ऐसे करके क्या करेगी, फड़फड़ाएगी, ऐसे ऐसे करेगी, तो मादरी नृत्य मछली नृत्य के समान है, मछली नृत्य के समान। तो आपसे ये पूछ सकते हैं मेरे बच्चों कि मछली नृत्य के समान कौन सा नृत्य है, तो आपको मालूम होना चाहिए मादरी नृत्य है, ठीक है। अब गुज्जर जाति की बात कर लें क्या, बोले सर कर लो, आप तो आज धड़ल्ले से सारी कर रहे हो, तो अपन ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो गुजर जाति की बात करें तो गुजर जाति में चरी नृत्य होता है, क्योंकि गुजरिया क्या होती है, चरी भर भर के क्या करती है, दूध बांटने जाती ना गुजर, तो ये जैसे गुजरी है, ठीक है, ये ऐसे करके चरी रख लेगी अपने सर के ऊपर, ठीक है, और ये इसके हाथ है, ये ऐसी, ये ऐसे करके चलेगी, ठीक है, और ये गुजरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चरी है, तो इसलिए चरी नृत्य, चरी नृत्य कौन करेगा, गुजर जाति के लोग करेंगे, ठीक है। अब मेव जाति के अंदर एक होता है रतवई और एक रणबाजा, मेव जाति की बात करें अपन, ठीक है, तो रतवई और रणबाजा, इसको ऐसे याद करो मेरे बच्चों कि रात में रणबाजा, रात मतलब रत, मेव रणबाजा, रत मेव रणबाजा, रात में रणबाजा, रत में रणबाजा, रात में रणबाजा, रात में रणबाजा, रात में रणबाजा, आपको मालूम पड़ जाएगा मेव जाति के कौन से नृत्य हैं, रतवई और रणबाजा। अब बात करते हैं अपन बादलिया जाति का नृत्य, बादलिया दिखती भी नहीं है जाति तो, और इसका नृत्य भी यही है बादलिया, भैया अपना खुद का स्पेशल नृत्य बना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जाति अपना ही नृत्य करती है। अब अपन बात करते हैं कालबेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा जानदार नृत्य है कालबेलिया नृत्य, ठीक है। कालबेलिया की बात कर लें क्या, करो सर आपको कौन रोकने वाला, तो मुझे नहीं रोकने वाला बच्चों, तो आपको भी कोई नहीं रोकने वाला, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि कर देना चाहिए, इतना बोल रहा हूँ मैं आपको, इतना पसंद करता हूँ, इतना आपको लाइक करता हूँ, तो आप भी तो लाइक करो, मैं आपको इतना शेयर कर रहा हूँ अपनी सारी टेक्निक, अपनी सारी ट्रिक, तो आप भी तो शेयर करो, ठीक है। तो आप नहीं करोगे तो बात अलग है, पर करना चाहिए आपको कायदे से, तो ठीक है। अब कालबेलिया की बात करें तो एक तो होता है इंडोनी, ठीक है, अब इंडोनी जो होता है वो होता है, दूसरा होता है पणिहारी, तीसरा होता है बागड़िया, चौथा शंकरिया, इंडोनी पणिहारी बागड़िया शंकरिया, ठीक है। ध्यान से देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखो ये तो है इंडोनी, ये पणिहारी, पानी भर के लिए जा रही ना पणिहारी, ठीक है। ये इधर देखो बच्चों, इनका ये घर है, इसके चारों तरफ लगी हुई है बागड़, क्या लगी है बागड़, तो बागड़िया, और यहां पे एक गुमरा बच्चों ऐसे कर करके,
ऐसे इनके क्या घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है, इनके सांप खूब सारे घूमते रहते बच्चों, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके खूब सारे सांप घूमते रहते हैं। तो ये सांप किसके हैं, ये शंकर जी के वाहन है, तो शंकरिया, ठीक है। तो ये औरत है, ये क्या है, ये आपके कालबेली जाति की है, कौन सी है, कालबेलिया, कालबेली जाति की औरत। अब कालबेली जाति की है तो ये कहां गई, सर पे इंडोरी रखी इसने, पानी भरने गई, पानी भर के वापस आई, तो इसने देखा कि यार बागड़ के चारों तरफ हमारे जो सांप थे जो हमने इसके टोकरे के अंदर भर रखे थे, वो टोकरे से निकल के सारे शंकर जी के सांप कहां पे आ गए, बाहर आ गए। तो ये सारे के सारे नृत्य हो गए मेरे बच्चों, किसके, कालबेली जाति के। भाई एक तो हो गया इंडोनी, इंडोनी के अंदर क्या करते हैं, खंजरी और पोंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या है, खंजरी और पोंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है, इंडोनी के अंदर किया जाता है। ध्यान आ गया आपको, समझ में आ गया आपने पटर का क्या दिक्कत है। पणिहारी गीत पे ये जो है ना, पणिहारी, ये पणिहारी गीत पे गाया जाता है, डांस किया जाता है, पणिहारी, पणिहारी गीत पर नृत्य किया जाता है। घर लो घर लो बरे दो कनीरे रे माई मेरी गई गई, ये राजस्थानी गाने हैं, बड़े तरीके के मस्त है, सुना करो आप भी, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। फिर आता है बागड़िया, बागड़िया क्या है, बागड़िया में बच्चों क्या होता है, ये जो कालबेलिया औरतें होती है, ठीक है, कालबेलिया औरतें जो होती है ये क्या भीख मांगती है, ठीक है, और सबके घरों के बाहर जाती है बागड़ पे और बोलती है भीख दे दो भीख दे दो, तो उस समय भीख मांगते मांगते तेजी से नृत्य करती है, तेजी से नृत्य, कब, भीख मांगते मांगते, कौन औरतें, कालबेली जाति के, ठीक है। तो ये आपके सारे, और ये शंकरिया जो है ये क्या है, प्रेम कहानी पे आधारित नृत्य है। शंकरिया किस पे है भाई, शंकर भगवान और पार्वती माता का काम तो हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेम कहानी पर आधारित आधारित नृत्य कौन सा हो गया आपका, शंकरिया, ठीक है। अब देखो एक लेडीज है बच्चों, एक लेडीज है, अच्छा बात करते पुरुष की, तो पुरुष इसमें क्या डांस वांस नहीं करते, इसके अंदर केवल और केवल डांस करेगी तो औरतें करेगी, पुरुष का तो क्या काम है, एक तारा बजा लो या फिर तंदूर बजा लो, ठीक है, पुरुष क्या करेंगे, पुरुष इसमें एक तारा या फिर तंदूरा यही बजा सकते, दूर रह के तंदूरा बजाओ, पुरुष का कोई काम नहीं है, औरतें यहां पर डांस करेगी। कालबेली जाति के अंदर केवल केवल औरतें डांस करती है, पुरुष का कोई काम नहीं है। अब क्या है, एक औरत है जिसका नाम है गुलाबो, ठीक है, उसने क्या है, उसने वक्र कलित और मकबूल शैली में डांस सीखा, क्या है, वक्र कलित और मकबूल शैली, क्या नाम है, गुलाबो, बहुत फेमस है, वज्र कलित और मकबूल शैली, मकबूल शैली, ये शैली होती है मेरे बच्चों डांस की। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो उल्टे चक्कर खाना, जैसे अपन तो ये सीधा खाएंगे, ये क्या ऐसे ऐसे करके नाचती है, ऐसे उल्टा घूमती है, उल्टे हाथ की डायरेक्शन में, तो वो वाला डायरेक्शन में घूमना बहुत कठिन होता है, और उसमें भी लगातार घूमना, ठीक है, और फिर क्या करना, ऐसे नीचे बैठ जाना, आंखों से उल्टा होकर नोट उठाना, आंखों से आंखों की पलकों से अंगूठी उठाना, ऐसे करके उल्टा होकर नोट मुंह से उठाना, तो ये सारा वज्रकलित और मकबूल पद्धति है, उसकी शैली है। तो उससे ये क्या है, सारा के सारा गुलाबो ने सारे कार्यक्रम यहाँ पे करा और ये फेमस हो गई पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो गुलाबो जो है ना वो फ्रांस को अपना दूसरा घर मानती है, क्या है, फ्रांस को अपना दूसरा घर मानती है, कौन, गुलाबो देवी, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने इसके कार्यक्रम को खूब देखा, तो भाई कार्यक्रम दिखाने कहाँ जाएगी, अब फ्रांस ही जाएगी बार बार, अब फ्रांस जाएगी कार्यक्रम दिखाने, और फ्रांस के लोग इसके कार्यक्रम देखेंगे ज्यादातर, ज्यादातर तो इंडिया में भी देखते, ऐसी बात नहीं, पर फ्रांस के लोग ज्यादा ऐसी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो क्या टांग खींचाई करते हैं कि यार क्या है नाची तो रहा, कोई बड़ा काम कर रहा है क्या, ठीक है, पर फ्रांस के लोग देखते हैं यार इतना बढ़िया नाच रहा है, इतना कलाकारी दिखा रहा, तो उन्होंने क्या करा, प्रोत्साहित करा, प्रोत्साहित करा, तो जहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा आदमी वहीं तो जाएगा, तो इसने क्या है, फ्रांस के लोगों को अपना अपना लोग माना और वहाँ पे उसको दूसरा घर मान लिया, इंडिया तो फर्स्ट घर हो गया और फ्रांस दूसरा घर हो गया, ठीक है। अब यूनेस्को है, उसने क्या करा, सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिसूची है उसके अंदर इस डांस को शामिल कर दिया, क्या है, यूनेस्को ने, देखो ट्रेन भी आ गई आपके चक्कर में, यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की प्रतिसूची में इस डांस को शामिल किया है, इसको कालबेली डांस को, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिसूची में यूनेस्को ने कालबेली नृत्य को क्या कर दिया भाई, सम्मिलित कर दिया है, तो इसलिए कालबेली नृत्य बहुत फेमस हो गया, और कालबेली नृत्य की औरतें जो होती है धमाके डांस करती है, धमाके डांस करती है और जोरदार डांस करती है। तो ये सारे मेरे बच्चों जाति और जनजाति से संबंधित जो नृत्य हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, बहुत सही तरीके से पढ़ा दिया। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी तो क्या करोगे आप, ठीक है, पढ़ो, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, फिर जल्दी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।